हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनिया, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ माइंड रूट फाउंडेशन में, और मैंने अपना एमडी एम्स से किया था। तो माइंड रूट की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो माइंड रूट फाउंडेशन एक हमारा एनजीओ है जिसपे हमने 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और हमारे इस एनजीओ में हम काम करते हैं अवेयरनेस, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस वाला पार्ट और उसके साथ जुड़े हुए स्टिग्मा। तो दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि मानसिक बीमारियों पे यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजह है, जिनमें से सबसे बड़ी जो दो वजह है उनमें से एक है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मानसिक बीमारियां हैं क्या। यानी कि ऐसा कि लोगों को अगर लक्षण आ भी गए तो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि ये लक्षण मानसिक बीमारियों के हैं या किसी और बीमारियों के, यानी कि जागरूकता अवेयरनेस की कमी। दूसरा, अगर किसी को पता भी है तो भी लोग बात तो नहीं करेंगे, और बात ना करने के पीछे आपको ही पता है कि जैसे ही हम मेंटल वर्ड सुनते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि सर, ये जो मेंटल वर्ड है इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि पागल। और टेक्निकली लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सालों से हमने मेंटल का मीनिंग यही समझा कि हाँ, मेंटल का मतलब पागल होता है। यानी कि दूसरी बड़ी वजह है वो है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी मदद के लिए निकला तो क्या सोचेंगे घर वाले, फैमिली वाले, डॉक्टर, समाज, परिवार। और फिर सिर्फ स्टिग्मा अपने लिए नहीं है, यानी बीमारी को लेकर नहीं है, ट्रीटमेंट को लेकर। अगर ईसीटी लगती है तो बिजली के सेक बोलते हैं, दवाइयों को लेके, नींद की दवाइयाँ हैं, नशे की दवाइयाँ हैं, एक बार शुरू हो जाएंगे तो बंद नहीं होंगी। तो बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि 10 में से एक इंसान ही हमारे प्रोफेशनल मदद के लिए पहुंच पाता है, और यही दो बड़ी वजह है, अवेयरनेस नहीं है या फिर स्टिग्मा। तो हमारा माइंड रूट फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसमें हम काम करते हैं इन दोनों पे, और पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। और हमारा क्लिनिक भी है जिसमें मैं काम करता हूँ, जहाँ से हम अपने 2 पैसे की रोटी भी कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लाइव सेशन है, आज हम लोगों के लिए एक टॉपिक मिला है जिसका नाम है डिप्रेशन। नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ और समझ आता है, और अगर आम लोगों की बात करें तो साइकाइट्री की जितनी भी बीमारियां हैं वो इस डिप्रेशन वाले नाम के नीचे ही आ जाती है, चाहे उसको सिजोफ्रेनिया हो, चाहे उसको एंजाइटी प्रॉब्लम हो, चाहे उसको ओसीडी हो। लोग आके सबसे पहले कुछ नहीं, साहब हल्का फुल्का डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गई, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि रियल डिप्रेशन जो हम बात करते हैं, जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन, और जो लोग बात करते हैं वो वाला डिप्रेशन, दोनों में डिफरेंस है। हमारे लिए डिप्रेशन एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस है जिसमें कुछ कुछ ये सिम्टम्स होंगे तो हम उसे डिप्रेशन बोलते हैं। और जो आम आदमी जो समझ पाता है उसको लगता है कि नींद ना आना भी डिप्रेशन का ही पार्ट है, तो घबराहट भी डिप्रेशन का पार्ट है, उदास रहना भी डिप्रेशन का पार्ट है, तो अजीब अजीब हरकतें करना या फिर कानों में आवाज सुनाना वो भी डिप्रेशन का ही पार्ट है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो रियल वाला डिप्रेशन जो हम डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, वो और जो लोग आम लोग समझते हैं उनमें डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले डिप्रेशन के बारे में ही समझते हैं। तो अगर हम बात करें मानसिक बीमारियों की, तो मानसिक बीमारियों में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी है तो वो है डिप्रेशन। ऊपर से अभी जो कोविड वाला जो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन गया है, एक पैनिक जो क्रिएट हो गया है, अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, और किसी को पता भी नहीं है कि अब आगे होने क्या वाला है। साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है जो सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो डिप्रेशन ऊपर से और बढ़ता जा रहा है। अगर मानसिक बीमारियों की देखें तो जैसे WHO बोलता है कि 4 में से 1 इंसान को मानसिक बीमारी है, हमारी कुछ कुछ स्टडियां बोलती हैं कि 7 में से 1 को मेंटल हेल्थ इश्यू,
तो डिप्रेशन सबसे कॉमन है। ऐसा माना जाता है कि हर 5 में से एक इंसान को डिप्रेशन है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारे बहुत सारे स्ट्रेसर आते हैं और उनके चलते हम परेशान होते हैं, कुछ टाइम के लिए उदास रहते हैं या फिर थोड़ा लो फील करते हैं, जिसको हम सैडनेस बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट हमें करना ही पड़ेगा कि एक नॉर्मली आप किसी भी स्ट्रेसर के चलते आपकी बॉडी जेन्युइन रिएक्शन कर रही है, जिसमें आप लो फील कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं या कुछ टाइम के लिए रोना भी आ रहा है। तो ये जो सैडनेस है वो डिप्रेशन नहीं है। हम डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। अगर उनमें से ये चीजें हैं तो डिप्रेशन है। फिर उसका एक हम ये भी देखते हैं कि कितने टाइम से है। ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी वजह से आप 2-5 रोज के लिए पर्टिकुलरली परेशान हो गए तो डिप्रेशन डायग्नोस हो गया। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि 2 वीक कम से कम एक ड्यूरेशन होता है, कि पिछले 2 वीक से लगातार दिन के ज्यादातर समय तक, यानी कि परसिस्टेंटली और परवेजिव आप लो फील करते हैं। तो उसमें सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है कि आप लो फील करते हैं, दूसरा आपको लो एनर्जी लेना, तो सैडनेस ऑफ मूड, दूसरा अनहेडोनिया बोलते हैं हम उसको, यानी कि जिन चीजों से आपको प्लेजर मिलता है वो सब नहीं मिल पा रहा है, और जो चीजें पहले अच्छी लगती थी वो आपको अभी नहीं लग रही, और उसके साथ लो एनर्जी लेगा। ये हमारे 2 बेसिक क्राइटेरिया है। उसके साथ फिर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सिम्टम, जैसे कि घबराहट हो रही है, घबराहट के साथ साथ पहले जिन लोगों से बात करते थे आजकल बात करने का मन नहीं कर रहा है, करते भी हैं तो मन मार के करते हैं, और फिर भी मन करता है कि यार ये यहाँ से चला जाए या फिर मैं अकेला रहूँ, तो अकेला रहना, इंटरेक्शन कम हो जाना, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। तो ना बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो ना ऑफिस में काम करना, यानी रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटी, सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होती है जिसको हम मॉर्निंग वॉशिंग बोलते हैं। तो ऐसे में अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो अभी आप देखेंगे कि इनका अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले क्या चेंज होते हैं, थॉट्स होते हैं। अब थॉट्स अगर चेंज होंगे तो बिहेवियर और मूड अपने आप चेंज आएगा। तो अब मान लो कि स्टूडेंट है, तो अगर उसे डिप्रेशन होगा तो उसे कैसे सिम्टम आएंगे, उसका मेन काम है स्टडी, तो अब वो क्या है कि अगर वो स्टडी करने भी बैठता है तो या तो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, यानी कि अटेंशन और कंसंट्रेशन वाला पार्ट नहीं हो पा रहा, दूसरा अगर वो कर भी पाता है तो उसे लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो डिमेंशिया। यानी कि डिप्रेशन में एक सिम्टम ये भी है कि लोगों को लगता है कि यार याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन टेक्निकली जो रियल वाली याददाश्त जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं वो ना होके डिप्रेशन में जो याददाश्त वाला पार्ट है वो लगता है, और उसके पीछे भी बहुत सारी वजह। फिर अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, इनके साथ अगर स्ट्रेसर ऐड हो जाए, अब स्ट्रेसर सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है और आपकी लाइफ में भी होगा, लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन होना है, यानी कि जो तो बायोलॉजिकली पहले से ही प्री डिस्पोज्ड है, यानी कि रिस्क जिनको है, अब उन लोगों की लाइफ में अगर स्ट्रेसर आ जाता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो डिप्रेशन शुरू हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रेसर की वजह से डिप्रेशन हो ही, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कोप अप कर लेते हैं, इवन देन घर में डेथ हो गई, बड़ी बीमारी हो गई, लाखों करोड़ों के नुकसान हो गए, तब भी मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं कि नहीं कर पाते। तो अगर हम डिप्रेशन के होने की वजह पूछें, देखा जाए तो बायोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती है, उसके साथ साथ जो हमारा एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं साइकोसोशल मॉडल, यानी बायोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट जिसमें स्ट्रेसर वगैरह ये सब सारी चीजें आ जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी साइकिक फंक्शन, जैसे कि आपके इमोशंस हो गए, जजमेंट हो गए, मेंटल फंक्शंस हो गए, तो इन सब के वजह से ही कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस होता है, उसी में डिप्रेशन भी एक पार्ट है। तो अब डिप्रेशन होने की वजह हमें समझ में आ गई, डिप्रेशन के मोटे मोटे लक्षण हमें समझ में आ गए। अब इसमें क्या देखा गया है कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ तो कल ही जाके बहुत सीवियर हो जाएगा, ओवर द टाइम सिम्टम ग्रो होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज भी कर दिया है।
यानी कैटेगराइज में जैसे कि हल्का फुल्का डिप्रेशन है जिसको हम माइल्ड बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा अगर और सीवियर है तो उसको मॉडरेट, और फिर उससे ज्यादा सीवियर है तो उसको सीवियर, और उसमें भी फिर देखते हैं कि उनको कोई साइकोटिक सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम मानी कि ऐसी चीजें जो यूजुअली नहीं होती है, जैसे कि आप कानों में आवाजें सुनाई दे रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे मारने वाले हैं, या फिर नियलिस्टिक डेल्यूजन्स आ जाते हैं, यानी कि उसमें ऐसा लगता है कि हर एक छोटी चीज इतनी बड़ी लगती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये पेसिमिस्टिक थॉट्स आने शुरू हो गए। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो किसी को भी, अगर मुझे भी होगा, तो ऐसा लगेगा कि यार अब मेरा क्या होगा, यानी कि आज को लेके, आने वाले कल को लेके, एक ऐसे थॉट्स जो अगर देखा जाए कि नहीं ऐसी वजह तो नहीं है, लेकिन थॉट्स आए जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, फिर थोड़ा और बढ़ता है तो ये चीजें और सीवियर होती है, तो ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म हो गया है, तो होपलेसनेस जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके साथ एक और आता है हेल्पलेसनेस, यानी फिर उसको लगता है कि जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता है उसको लगता है कि मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता, यानी कि ओवर द टाइम थॉट्स फ्यूचर और इन सबको होपलेसनेस तो हो गया, लेकिन अब साथ साथ में हेल्पलेसनेस वाला पार्ट भी आ गया, क्या मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है और रास्ता कुछ दिख नहीं रहा, यानी कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है वर्थलेसनेस, तो उसमें क्या है कि लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अपने घर वालों को देखता है तो उसे लगता है कि ये घर वाले जितने भी परेशान हैं मेरी वजह से हो रहे हैं, और अगर मैं ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में ये और ज्यादा परेशान होंगे। तो ये सारी जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोगों को लगता है कि यार मैं यूजलेस हूँ, बेकार हूँ, वजन बन गया हूँ अपने पर, घर वालों पर, और अगर ऐसा ही रहा तो सब खत्म हो जाएगा, तब जाके लगता है कि यार इसका एंड कैसे हो, तो सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, यार इससे तो बेहतर है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। अब सुसाइडल थॉट्स आना और सुसाइड कंप्लीट होना, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। ऐसे नहीं है कि बीमारी है तो जैसे आ जाए तो कल ही सुसाइड कर लेंगे, लेकिन शुरू शुरू में दिन में एक दो बार आते हैं, 2-5 सेकेंड से लेके मिनटों में रहते हैं, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं लेते हैं तो टाइम के साथ इनकी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। इंसान 1-1 घंटे 2-2 घंटे सोचता है, साथ में रोता है, प्लानिंग शुरू होती है कब करनी है, कैसे करनी है, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई भी सुसाइड होगी तो सुसाइड यूजुअली जो होती है वो प्लान्ड होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पता लग जाता है लोगों के व्यवहार से कि वो बातें ऐसा करता है दोस्तों से कि आज जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, इस मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, मेरी वजह से सारे परेशान हो रहे हैं, और बहुत सारे जैसे कि कुछ लोग हैं कि जब प्लान हो जाती है कि मुझे उस दिन ऐसे ऐसे करनी है तो उस केस में क्या करते हैं कि सारे रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं कि चलो यार एक बार पहले। कुछ लोग होते हैं जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं तो वो अपनी वसीयत लिखना या फिर सुसाइडल नोट लिखना, तो यानी कि जो सीवियर डिप्रेशन से सुसाइडल थॉट आना और उसके बाद सुसाइड की प्लानिंग होना, उसके बाद सुसाइड होना, इस प्रोसेस में इतना टाइम मिलता है कि अगर हम क्लोजली देखें तो हम हर कोई देख लेगा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम क्या सोचते हैं, अरे कुछ नहीं यार, तू तो आराम से मस्त रह, बढ़िया सो, टाइम पे सो, अच्छा खा, योगा कर, एक्सरसाइज कर, मेडिटेशन कर, सब ठीक है। लेकिन कहीं हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि एक बंदा जो सालों से ऐसा था ही नहीं, अचानक से पिछले 2-5 महीने साल भर में ऐसा क्या हुआ जिसके पीछे इतनी बड़ी वजह नहीं दिख रही कि वो टाइम पे सोता नहीं है, ठीक से नहाता धोता नहीं है, खाना पीना बेकार हो गया है, अकेला रहता है, बात नहीं करता है, काम नहीं करता है, घर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, सोशली इन्वॉल्व नहीं है, पढ़ाई में वीक हो गया है, घबराया हुआ रहता है, बातें हमेशा निराशा वाली करता है। तो ये तो पहले ऐसा नहीं था, यानी बाई पर्सनैलिटी तो ऐसा नहीं था, ये चेंजेस तो अभी शुरू है, और अगर ये चेंजेस अभी शुरू हुए हैं तो हम उसको फिर नॉर्मल कैसे ले सकते हैं। बस हमें यही समझना है प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इमोशन, हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर ब्रेन कंट्रोल करता है, और अगर इधर दिक्कत होगी तो सारे बदलाव इन्हीं में आएंगे। अगर किडनी में दिक्कत होगी तो किडनी जो काम करती है उसी में आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम उस वाले पार्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, यार हार्ट में हल्का सा चेस्ट पेन हो गया तो भाग भी जाते हैं, एंजियोग्राफी होती है, इवन देन लोग कहते हैं कि कुछ भी कर दो बस बचा लो, लेकिन जिस सिस्टम का जो काम है बदलाव वहीं आएंगे। तो अब ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बिहेवियर में ऐसे ही चेंज आएगा,
जो हम मिस कर जाते हैं या फिर हल्के में ले लेते हैं कि याद नहीं ठीक हो जाएगा, और उसके बाद वही वापस से घूम फिर के बातें अवेयरनेस पता नहीं है या फिर डर, और कहीं ना कहीं लोग मदद के लिए ही बोलते। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। तो अब सिम्टम्स भी आ गए, सिम्टम्स के बारे में हमने जान भी लिया, तो अगर ऐसा है तो अब करना क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप है बहुत सिंपल सा कि आप बात करनी शुरू कर दो, और वो बात किसी से भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, या कोई और ऐसा कलीग से, ऑफिस में बता सकते हो, कुछ नहीं तो आप सीधा जाके प्रोफेशनल मतलब साइकाइट्रिस्ट से मिल सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अब डिप्रेशन में भी क्या है कि जैसे कैटेगराइज हमने किया था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान में भी हम देखते हैं कि जैसे माइल्ड कैटेगरी में यूजुअली हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, काउंसलिंग वाले पार्ट से माइल्ड वाला पार्ट ज्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। मॉडरेट वाले में देखें तो हम सारी दोनों चीजें साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं और साथ साथ में फार्माकोथेरेपी यानी कि गोली दवाई से भी कर सकते हैं। और अगर दोनों को साथ लेके चलते हैं तो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी वाले में ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। इवन देन दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों से भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अगर साइकोथेरेपी में भी देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपने नाम सुना होगा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो मतलब यूजुअली लोग कई बार तुम्हारे पास ऐसे आते हैं कि डायग्नोसिस भी बन गया कि सर मुझे डिप्रेशन है, और ये भी पता है कि मुझे ट्रीटमेंट क्या लेना है, तो हम पूछते हैं बताइए जी क्या लेना है आपको, तो क्लियरली आप तो CBT दे दो हमें, मुझे क्या होता है, जब इतना पता है तो यही। लेकिन लोगों को पता है CBT एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो साइकोथेरेपी में CBT ही नहीं है, और भी बहुत सारी थेरेपियां हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो सिम्टम्स के जानने से लेकर ट्रीटमेंट तक की बात करें, और सबसे अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर एक बार किसी को डिप्रेशन आया हो गया तो ठीक है कि हम जैसे रिसर्च के डेटा की बात करें तो कि चांसेस होते हैं कि 70% चांसेस हैं कि वापस से जैसा कि एपिसोड आ जाएगा। अगर दूसरा एपिसोड आ गया तो 90% तक चला जाता है, और फिर उसके बाद अगर तीसरा एपिसोड आ गया तो लोग मानते हैं कि अब थोड़ी दवाइयाँ लंबी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में जब बार बार डिप्रेशन आता है तो उसको हम बोलते हैं रिकुरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और बहुत सारे लोगों में ऐसा होता भी है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात समझने वाली है कि इलाज बहुत अच्छा है, बस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लोग टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, लक्षण शुरू होने के बीच और जब जाके हम इलाज शुरू करते हैं इसके बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर ये छोटा हो जाए तो अगर अवेयरनेस और स्टिग्मा वाला पार्ट कम कर दिया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। देख रहा हूँ स्क्रीन पे काफी लोग आए हुए हैं। तो ये था हमारा डिप्रेशन का एक छोटा सा ब्रीफ, जिसमें हमने बात की कि डिप्रेशन होता क्या है। इसमें हमने ये भी जाना कि जो नॉर्मली जो लोग समझते हैं डिप्रेशन और जो हम एज ए साइकाट्रिस्ट डिप्रेशन समझते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात की कि ये होता क्यों है, जिसमें हमने बायोसाइकोसोशियल मॉडल पे हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजी सबसे बायोलॉजी होती है, उसके साथ इन्वायरमेंट साइकिक चीज़ें प्ले करती है, फिर स्ट्रेसर कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्ट, और स्ट्रेसर तो लाइफ में सबके है, किसी को एकेडमिक का है तो किसी को फाइनेंशियल है, तो किसी को जॉब का है, किसी का डेथ हो गई है, किसी का डिवोर्स हो गया है, तो ये सारे स्ट्रेस इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर हमने देखा कि इनके कॉमन सिम्टम, जिसमें हमने जो चीज़ें जो दी वो थी कि एक तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम एनीडोनिया बोलते हैं, और दूसरा लो एनर्जी लेवल। फिर हमने उसके साथ बहुत सारे और सिम्टम्स की बात की, कैसे धीरे धीरे ये हल्के नेगेटिव थॉट्स या निराशा वालों से हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट जाके ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है तीनों कैटेगरी में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, और ट्रीटमेंट में दोनों वाली चीज़ें कर सकते हैं, फार्माकोथेरेपी भी यानी दवाइयों की मदद भी ले सकते हैं, और साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग जो हम सिंपली समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको या किसी आपके अपने को या किसी के व्यवहार में ऐसे बदलाव है तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसको एडवाइस देने के, या तो एक बार बात तो कर, डॉक्टर से मत मिल, मुझसे तो बात कर, यानी लेट्स टो, बातें शुरू होंगी तो रास्ते निकलने आना शुरू हो जाएंगे। और अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में आप
जरूर अपने प्रोफेशनल, जो भी आपके नजदीकी साइकाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आपसे मिले, मदद ले। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है जितना कि बाकी बीमारियों की बात करें तो।